नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार में वो गवाही जो बाबरी विध्वंस के मामले को बिल्कुल नया मोड़ दे देगी। क्योंकि आज इस डिबेट में बाबरी मामले के आरोपी और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती खुद लाइव गवाही देंगे पूरे मुल्क यानी देश के सामने, और पूरे देश के सामने उनकी लाइव गवाही पेश होगी। क्योंकि वेदांती ने खुलकर कह दिया है कि हां, विवादित बाबरी ढांचा जिसे कोर्ट ने विवादित ढांचा माना है, मैंने तुड़वाया है। मेरे कहने पर ही कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिराया, और उनका साफ कहना है कि लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे नेताओं को बेवजह फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। तो सवाल यह है कि क्या पूरे मामले में सीबीआई की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में सीबीआई ने बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलने की मंजूरी मांगी थी। आज इसी मुद्दे पर होगा सबसे जोरदार आर पार। यह आक्रोश था, साजिश थी, आज वो लाइव गवाही जो गवाही इस पूरे मामले को, राम मंदिर का मुद्दा तो पिछले 25 साल से चल रहा है, उसको पलट के रखती। बाबरी विध्वंस, आक्रोश या साजिश, इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। वेदांती खुलकर कह रहे हैं कि हां, विवादित बाबरी ढांचा मैंने तोड़वाया। सीबीआई के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, बिना देखे, बिना सुने, बिना सींग के, बिना प्रमाण के अडवाणी जी पर, जोशी जी पर ढांचा तोड़ने का आरोप लगा दिया। उस विवादित ढांचे को मैंने तोड़वाया, उस खंडहर को मैंने तोड़वाया, मैंने तोड़ा और तोड़वाया भी। ये जो मुकदमा दायर किया गया है वो झूठा मुकदमा है, अफवाह फैलाने के लिए, केवल हमारे भाजपा के नेताओं को बदनाम करने के लिए। सीबीआई झूठ बोलती है, सीबीआई के अधिकारियों ने झूठा एफआईआर दर्ज कराया है। वेदांती उन लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मामले में केस चलाने की इजाजत दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने 2 साल के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है। अपने बयानों को लेकर वेदांती कई बार विवादों में फंस चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उनका नया बयान सीबीआई की भूमिका पर सवाल खड़े करता है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, और आर पार के बेहद खास एडिशन के लिए आज आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एडिशन अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी निकाल के लाता है। ये एडिशन वो स्टोरी निकाल के लाता है जो अभी तक दबी हुई थी, जो पूरा इस मामले को पलट के रख देगी। बाबरी विध्वंस पर सबसे बड़ी गवाही का विश्लेषण सुनिए। क्या सीबीआई ने बीजेपी नेताओं को फंसाने की कोशिश की? मनमोहन सिंह के दौर में आपराधिक साजिश की अपील हुई। क्या अडवाणी, जोशी जैसे नेता राजनीति का शिकार हुए हैं? बीजेपी नेताओं को फंसाया गया, ऐसा रामविलास वेदांती साफ कह रहे हैं, जो मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद होंगे और लाइव गवाही देंगे इस पूरे मामले के अंदर। इसलिए मैं आज अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ी गवाही है, ये सबसे बड़ी गवाही है जो आज विवादित ढांचा गिरने पर पेश हो रही है। पिछले 25 साल की कहानी को ये खोल के रख दे कि उस दिन क्या हुआ था, 1992 को में क्या हुआ था, किसने पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी थी, किसने आर्मी को डिप्लॉय नहीं किया था, तमाम कहानी परत दर परत आज इसी वक्त आप सबके सामने लाइव एक्सपोज होने के लिए जा रही है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अभय दुबे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। कमाल फारूकी साहब हैं, जो कि सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। जाफरयाब जिलानी जुड़ेंगे, संयोजक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, और रामविलास वेदांती बाबरी विध्वंस के आरोपी, बीजेपी के पूर्व सांसद
और ये सबसे बड़ी गवाही वो लाइव देंगे। वेदांति महाराज, 1992 में जो हुआ आपने कहा, आपने ये बताने की कोशिश करी कि सब कुछ मैंने करवाया था, जो बात आप कह रहे हैं उसके मायने क्या है? 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सामने एक राम चबूतरा था जिसको कार सेवा के लिए हम लोगों ने बनाया था। वहीं पर हमारे देश के सभी मूर्धन संत विराजमान थे, पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, पूज्य नित गोपाल दास जी महाराज, पूज्य परमहंस रामचंद्र जी महाराज, पूज्य वामदेव जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज और स्वामी परमानंद जी महाराज, ये सारे लोग वहाँ विराजमान थे। उसमें माननीय अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा, वेदांति जी जाइए कार सेवा का संकल्प कराइए। मैं संकल्प पत्र लेकर के कार सेवा को कराने के लिए चढ़ा। जैसे आगे बढ़ा वैसे कार सेवकों ने ढांचा तोड़ने के लिए अटैक कर दिया था, और मंच पर जा करके मैंने संकल्प पत्र पढ़ा और हमने ये कहा कि जल्दी से जल्दी आप सब लोग उस खंडहर को जहाँ पर रामलला विराजमान है तोड़िए। जब तक वो खंडहर रहेगा तब तक लोग कहेंगे कि ये मस्जिद है, क्योंकि वहाँ मस्जिद थी ही नहीं। 14 कसौटी के खंभे में मीर बाकी ने वहाँ पर एक 3 गुम्बद का ढांचा खड़ा किया था। 14 कसौटी के खंभे में अमृत कलश था, ओम के चिन्ह थे, हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, स्वास्तिक के चिन्ह थे, ओम के चिन्ह थे। हिंदू देवी देवताओं को मुसलमान लोग कहते हैं बुत, बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई मस्जिद का चिन्ह नहीं था, वहाँ पर कोई मीनार नहीं थी, ऊजी करने के लिए कोई कुआं नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब वहाँ कोई मस्जिद का चिन्ह नहीं था तो बार बार क्यों बाबरी मस्जिद का नाम लेते हैं? वहाँ मंदिर था, खंडहर था, खंडहर को तोड़कर हमने रामलला का भव्य मंदिर बनाने का प्रयास किया था। देखिए देखिए स्वामी जी सुनिए मेरी बात, सुनिए महाराज जी मेरी बात सुनिए। मैं वेदांति महाराज जी आपको आपकी बात सुनाने के लिए बुलाया है। इस समय पूरा देश आपकी ये गवाही न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से, आर पार कार्यक्रम के माध्यम से लाइव देख रहा है। मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से आप ये बयान दे रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि बाबरी ढांचा या फिर जिसे ऑनरेबल कोर्ट ने विवादित ढांचा का, उस विवादित ढांचे को वेदांति महाराज ने गिराया या फिर गिरवाया कार सेवकों से 1992 के अंदर, और ये सीबीआई जो कह रही है, सीबीआई क्यों दूसरी बात कह रही है? और आपने यही बात सीबीआई के सामने रखी, सीबीआई इसने भी आपकी गवाही ली होगी, सीबीआई की गवाही में आपने क्या कहा था? मेरे व्यूअर्स को बताइए, फिर मैं टैली करूंगा आपने सीबीआई को क्या गवाही, बिल्कुल झूठ बोलती है। सीबीआई मैं आपका इंटरोगेशन नहीं कर रहा, लेकिन आप इस देश में, आप इस देश में बाबरी मस्जिद के मामले में, विवादित ढांचे के मामले में, राम मंदिर के संदर्भ में ये नए खुलासे कर रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर कल्याण सिंह की बात कर रहे हैं। मैं नरसिम्हा राव की बात कहना चाहता हूँ। नरसिम्हा राव ने 5 दिसंबर को रात्रि को 11 बजे मुझको टेलीफोन कहा था, वेदांति जी ढांचा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मैंने नरसिम्हा राव जी से कहा था कि ढांचा जरूर टूट जाएगा। फिर 6 दिसंबर को जब प्रातःकाल 6 बजे मैं चलने लगा राम जन्मभूमि के लिए, तब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का फोन आया, वेदांति जी क्या होगा? हमने कहा आज तो ढांचा निश्चित ही टूट जाएगा। आपने और मैं वहां गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय नरसिम्हा राव को बात बताई, उन्होंने क्या कहा फिर? सुनिए, नरसिम्हा राव से मैंने ये कहा कि ढांचा टूट जाएगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप सेना को न अयोध्या भेजिएगा, सेना का कोई व्यक्ति यदि अयोध्या आएगा तो फिर ढांचा नहीं टूट पाएगा। तो नरसिम्हा राव ने मुझसे कहा था कि सेना का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, और नरसिम्हा राव ने जो कहा था वही हुआ, कोई भी सेना का अधिकारी उस ढांचा को तोड़ने से रोकने के लिए नहीं आया। नरसिम्हा राव ने बोला कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा, ढांचे को आप गिरा दीजिए, ये आपका, या नहीं, आपने यही बात सीबीआई के सामने बोली कि ढांचा आपने गिरवाया, टूट जाना चाहिए। आपने सीबीआई के सामने क्या बयान दिया? आपको 30 सेकंड में बताइए। अडवाणी सुनिए मेरी बात, वेदांति महाराज 30 सेकंड में बताइए सीबीआई के सामने आपने राजमाता क्या, सीबीआई के सामने आपने क्या बयान दिया, क्या गवाही दी? सीबीआई तो झूठ बोलती है। सीबीआई ने मुझसे पूछा ही नहीं कि ढांचा किसने तोड़ा। यदि सीबीआई मुझसे पूछी होती तो मैं बता देता कि ढांचा किसने तोड़ा और किसने तोड़वाया। सीबीआई तो गोल मटोल कर रही थी। क्यों क्यों? मैं निवेदन करना चाहता हूं, सीबीआई झूठा आरोप लगा रही है।
अडवाणी जी और जोशी जी ने कभी नहीं कहा कि ढांचा तोड़ो। अडवाणी और जोशी ने साफ शब्दों में कहा था कि ढांचा से आप लोग उतर आइए, आपकी कार सेवा पूरी हो गई। ये अडवाणी जी ने भी कहा, यही जोशी जी ने कहा, यही राजमाता विजयराजे सिंधिया ने कहा, बल्कि माननीय अशोक सिंघल जी और महान तवेदना जी वहां बैठे थे। मैं मंच का संचालन कर रहा था। बिल्कुल हमसे, लेकिन क्यों सीबीआई साजिश कर रही है? 2011 से मामला पलटा है, सीबीआई क्यों साजिश कर रही है? मैं बताऊं आपको, बताइए 20 सेकंड और। झूठ बोलती है, असत्य बोलती है। सीबीआई जानती है कि अडवाणी जी का उसमें हाथ नहीं है। क्यों बोल रही है सीबीआई? ढांचा नहीं तोड़वाया। क्यों बोल रही है सीबीआई? झूठ बोलती है। क्यों बोल रही है सीबीआई? ये कांग्रेस से प्रेरित है, कांग्रेस से प्रेरित होकर के अडवाणी को फंसाने का षड्यंत्र कर रही है। जबकि अडवाणी जी ने कार सेवकों से कहा था, आपकी कार सेवा पूरी हो गई, ढांचा तोड़ने की आवश्यकता नहीं, ढांचा से उतर आइए। देश की सबसे बड़ी गवाही न्यूज़ 18 इंडिया पे देख रहे हैं और ये गवाही कह रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ढांचा वेदांती महाराज ने गिराया, जरूरी है। खुद कह रहे वेदांती महाराज की मैंने ढांचा गिराया। इस केस में, इस केस में, बाबरी विध्वंस में ये सबसे नया और ताजा मोड़ है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, ये मोड़ बहुत बड़ा है। इस मोड़ के बाद क्या सीबीआई, क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन तमाम घटनाक्रमों का संज्ञान लेगा जो वेदांती महाराज इस समय लाइव कह रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, होल्ड ऑन सुधांशु त्रिवेदी, होल्ड ऑन। अभय दुबे क्या कहना चाहते हैं? आपकी साजिश थी, कांग्रेस चाहती थी कि एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आरएसएस की टॉप लीडरशिप इस पूरे मामले में फंस जाए। और मेरा रिसर्च कहता है, मेरा रिसर्च कहता है सर, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मनमोहन सिंह के दौर में आपराधिक साजिश की अपील हुई थी, ये बात भी सच है। जवाब अभय दुबे। अमीश जी, आपराधिक साजिश का मुकदमा जब पहला 197 नंबर की एफआईआर कार सेवकों पर थी, 197/92 की एफआईआर इन नेताओं पर थी, उस समय जब ललितपुर से पहला जब केस ट्रांसफर स्पेशल कोर्ट में किया, तभी 120 भी लगा दिया था आपराधिक षड्यंत्र। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था? पूछना चाहता हूं मोहन जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक साजिश को हटा दिया था। यस, आपराधिक साजिश को हटाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये भी तथ्य है और ये सच है। सुन लीजिए, ये भी तथ्य है, सच है। लेकिन वेदांती महाराज कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई, वेदांती महाराज कह रहे हैं वो विवादित ढांचा उन्होंने गिरवाया 1992 में, विवादित ढांचा गिरवाया जिसको गिराने में पीवी नरसिम्हा राव ने भी उनकी हेल्प करी। ये बात साफ कह रहे हैं आपके सामने। आर्मी को उन्होंने बोला मत भेजिए, पीवी नरसिम्हा राव ने बोला कि मैं नहीं भेजूंगा। ये क्लेम है इनका। आपके पूर्व प्रधानमंत्री है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, आपके पूर्व बड़े नेता पीवी नरसिम्हा राव दिवंगत है। अभय दुबे, इट इज अ बिग एक्सपोजर टुनाइट। ऐसा होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कहा कि केंद्र की सरकार को रिसीवर अपॉइंट कीजिए, क्योंकि होम सेक्रेटरी ने रिपोर्ट फाइल की कि बहुत बड़ी घटना होने वाली है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की सरकार ने एफिडेविट दिया है, हम केंद्र को रिसीवर अपॉइंट नहीं करेंगे। यही वेदांती जी ने कहा, वेदांती जी ने कहा कि उमा भारती जी ने मुझसे माइक छीना, मैं नारा लगा रहा था कि राम नाम सत्य है, बाबरी ढांचा ध्वस्त है, मुझसे माइक छीनकर उमा भारती ने नारा लगाया। वेदांती जी ने क्या कहा नारा कि भारती लगाया उमा भारती, उमा भारती ने ढांचा उमा भारती ने क्या नारा लगाया था बताइए? उमा भारती ने क्या नारा लगाया था? इस समय न्यूज 18 इंडिया पे आर पार में बाबरी विध्वंस के मामले में सबसे बड़ी गवाही लाइव चल रही है जो इस पूरी कहानी को पलट रही है। बताइए अभय दुबे क्या कहा था? माइक छीन कर मैं वेदांती साहब की बात चाहूंगा। वेदांती जी ने एक वीडियो में इस बात को स्वीकारा है, एक निजी नारा लगाया है। जब स्टेटमेंट लिया तो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। वेदांती महाराज कह रहे हैं कि मैंने नारा दिया, अच्छा टूट जाएगा। वेदांती महाराज क्या कह रहे हो? वेदांती महाराज क्या कह रहे हो? मैं नारा दिया था, मैंने नारा दिया था, जय श्री राम बोल दो, पुराना खंडर तोड़ दो, जय श्री राम बोल दो, एक धक्का और दो, जब तक पुराना खंडर रहेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा, इसलिए पुराना खंडर तोड़ो, मंदिर का निर्माण कराओ। ये मैंने कार्यकर्ताओं से कहा था, कार्यकर्ताओं ने मेरी बात माना।
सुधांशु चतुर्वेदी नाउ दिस इज एक्सप्लोसिव टुनाइट सुधांशु चतुर्वेदी यू कम इन ओके अबे दुबे अरब की सबसे बड़ी मस्जिद की सेल्फी लेते हैं लेकिन रामलला की सेल्फी नहीं लेते नरेंद्र मोदी जी रामलला के दर्शन के लिए रामभूमि पर भी नहीं आते ये रामलला की सेल्फी में पहुंच गए। देखिए इस समय 1992 के दौर की बात है, 2017 चल रहा है, 1992 की तरफ हम चले गए हैं और इस समय टेलीविजन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी गवाही लाइव हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी वेदांति महाराज कहना चाहता हूँ नहीं वेदांति जी ये भी नहीं वेदांति जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन आपको आपने अपनी गवाही दी अब मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी हैं मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके पास मुझे जाना पड़ेगा। काफी देर से वो भी बने हुए हैं पिछले 17 मिनट से वो बैठे हुए हैं और कुछ नहीं बोले अभी तक बैठे। मैं सुधांशु त्रिवेदी ऐसा आता हूँ आपके पास। इस देश में ये सबसे बड़ी गवाही इस समय न्यूज 18 इंडिया पे चल रही है और ये कई फैक्ट्स को पलट रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अभी वेदांति जी ने जो कुछ बोला है वो बहुत ही गंभीर है और विचार करने योग्य है। मुझे लगता है इससे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं जो कांग्रेस की तरफ। जहां तक षड्यंत्र की बात है ये तो हमारा भी बिल्कुल निश्चित मानना है कि हमारे नेताओं के विरुद्ध एक सुनियोजित राजनीतिक पूर्वाग्रह और साजिश के तहत इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया ताकि उन्हें इम्प्लीकेट किया जा सके। जो उन्होंने नरसिंह राव जी की बात कही, चूंकि नरसिंह राव जी आज दिवंगत हैं वो नहीं बता सकते, परंतु एक बात मैं कहूंगा अमीश जी, जो संदेह पैदा करती है, कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बार ये बात कही और कांग्रेस के वो एकमात्र भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके दिवंगत होने के बाद उनका पार्थिव शरीर एआईसीसी के ऑफिस में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। कैसा उनके मन में क्या मलाल था कि 5 साल तक जिसने देश की सत्ता चलाई उनकी पार्टी का प्रधानमंत्री, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात थी। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जो हमने कहा षड्यंत्र है कांग्रेस का वो सही है क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने मुलायम सिंह ने जब कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी वह सरकार गिर गई थी उसे समर्थन दे के बचाने का काम उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1990 में 2007 में मामले पे सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दे के कहा कि राम तो थे ही नहीं। पूरी तरह मुतमईन है कि उन्होंने साजिश रची होगी। भारतीय जनता पार्टी के 2 गुट हैं, एक गुट आडवाणी जी के साथ है, एक नरेंद्र मोदी जी का गुट हो गया है। मोदी जी नहीं चाहते कि दूसरा कोई सत्ता का केंद्र। मैं ब्रेक लेता हूं, मैं इसी मोड पर ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद आपके पास वापस आ रहा हूं। लेकिन बाबरी विध्वंस पर, इस विवादित ढांचे के विध्वंस पर यह सबसे बड़ी गवाही इस समय लाइव चल रही है। ब्रेक के बाद हम इस मामले में एक नया मोड़ लेकर आ रहे हैं, नया मोड़ और नई गवाही लेकर आ रहे हैं क्योंकि आज का आर पार वाकई पूरे देश में देखा जा रहा है और इस आर पार पर मुझे बहुत से रिएक्शन मिल रहे हैं। और जो वेदांति महाराज कह रहे हैं 1992 की छुपी हुई कहानी, छुपा हुआ राज खोल रहे हैं। ब्रेक के बाद उसमें एक और नया मोड़, मैं वादा करता हूं ब्रेक के बाद धमाकेदार खुलासा। आप देख रहे हैं आर पार और आर पार में आप बेहद बड़ी और जबरदस्त गवाही इस समय लाइव देख रहे हैं और इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बाबरी विध्वंस मामले में नया एक मोड़ आ गया है, उसका हम खुलासा कर रहे हैं। और अब एक और नया खुलासा जो होना जरूरी है। मेरे साथ आज की इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी हैं, अभय दुबे हैं, मेरे साथ डिबेट में कमाल फारूकी हैं, सदस्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मेरे साथ जाफरयाब जिलानी साहब हैं, संयोजक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, रामविलास वेदांति महाराज हैं, बाबरी विध्वंस के आरोपी। मैं आपके साथ आना चाहता हूं एक बार फिर से वेदांति महाराज और बहुत सीधा सवाल रखता हूं, इस पूरे घटनाक्रम को हिंदू आक्रोश माना जाए या बड़ी साजिश माना जाए, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय के अंदर? क्योंकि आप इसको आक्रोश की संज्ञा दे रहे हैं। नहीं, आक्रोश नहीं देता। हिंदुओं का शौर्य दिवस था उस दिन, हिंदुओं ने अपने शौर्य का स्मरण किया। क्यों? और शौर्य राम जन्मभूमि पर दिखाई दिया। बाबरी मस्जिद तोड़ का प्रतीक चिन्ह था। नहीं, मैंने बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ा। बाबरी मस्जिद वहां थी ही नहीं तो तोड़ू कैसे? वहां तो मंदिर था,
मैंने खंडहर को तोड़ा है, मंदिर का खंडहर कभी रामलला के ऊपर गिरकर क्षति पहुंचा सकता था, इसलिए मैं उस मंदिर के खंडहर को रामलला के ऊपर से हटाया जिससे भव्य रामलला का मंदिर बने। आप सीबीआई के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गवाही देंगे जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरह से। आपने ये कभी बयान दिया कि नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि ये नक्शा देखकर बताया है वहां पर रामलला विराजमान है, 14 कसौटी के खंभे में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ओके ओके कमाल फारूकी, ओके ओके अबे जी तब करता है जब मीनार होती है। कमाल फारूकी भी पिछले 25 मिनट से डिबेट में बैठे हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। कमाल फारूकी, इस समय बाबरी विध्वंस के मामले में ये सबसे बड़ी गवाही इस समय न्यूज 18 इंडिया के प्रोग्राम आर पार में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो बात रामविलास वेदांत कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि गुम्बत मैंने तोड़े और वहां मस्जिद तो थी नहीं, वहां तो खंडर था जिसको कोर्ट भी विवादित ढांचा कह चुका है, कोर्ट ने नहीं माना वो बाबरी मस्जिद थी। क्या कहना चाहते हैं कमाल फारूकी वेदांति महाराज को? आप वेदांति महाराज को इंतहाई आदर के साथ में हम कहेंगे कि वो महाराज अपने आप को कहलवाते हैं, तो कम से कम इस षड्यंत्र को और आगे न बढ़ाएं। जिससे अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है और वो बाबरी मस्जिद थी या नहीं थी ये टाइटल सूट भी मौजूद है। अभी तो दूसरा वाला मामला है और दूसरा वाला मामला तो ये है कि जो 197 और 98 FIR के तहत जो है मुकदमा चल रहा था उसको अलाहाबाद हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर मसीह को रिजेक्ट किया था और उसमें सीबीआई ने बाकायदा उसको कहा था कि दोबारा उसको सुना जाए। 25 साल बाद बाबरी मस्जिद जो वहाँ थी, और ये हमारे महाराज जी को हो सकता है इसका अच्छा ना लगे, लेकिन दिसंबर 1949 तक मुसलमानों ने वहाँ नमाज पढ़ी है और वो बाकायदा मस्जिद बरकरार रही थी। वहाँ जो झगड़ा था सिर्फ चबूतरे का था, बाकी और कोई झगड़ा नहीं था। उसके बाद मस्जिद को शहीद कर दिया गया और आज की तारीख में वहाँ पर टेम्परेरी एक मंदिर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो यकीनी बात है वो डिस्प्यूटेड कहेंगे ना, वहाँ राम मंदिर की बात कर रहे हैं। खुद मार रहे हैं कि एलके अडवाणी ने साजिश नहीं करी, डिस्प्यूटेड वेदांति महाराज खुद मार रहे हैं, एलके अडवाणी ने साजिश नहीं करी, मुरली मनोहर जोशी ने साजिश नहीं करी, उमा भारती ने नहीं करी, सब कुछ करा मैंने। अमीश भाई इनके कहने से क्या मुल्क का कानून चेंज हो जाएगा? आरोपी है ये, कहने से जो बाबरी विध्वंस के आरोपी हैं, उस एक, जो विवादित ढांचा था उसको ढाने के आरोपी हैं। अरे भाई एक ये भी आरोपी हैं, यकीनी बात है ये भी आरोपी हैं और बाकी और लोग भी आरोपी हैं। ओके रिप्लाई क्या है आपकी? नाम बताए गए हैं और उसके बाद महाराज रिप्लाई, आरोपी तो हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं भाई आरोपी तो ये भी हैं और बाकी और लोग भी हैं और अननेम्ड भी आरोपी हैं। इसमें झगड़ा किस बात का है? आरोपी रहूंगा। मैंने साफ शब्दों में कह दिया है कि मैंने उस विवादित ढांचे को जहां रामलला विराजमान थे, मंदिर का खंडहर था, मंदिर के खंडहर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी थी, इसलिए मैंने खंडहर को तोड़ा आप है। तो खुद साजिश का हिस्सा हो गए क्योंकि आप, हाँ तो अच्छी बात है। लाल कृष्ण अडवाणी ने, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कभी नहीं कहा कि ढांचा तोड़ो, बल्कि ढांचा में चढ़े हुए लोगों को अडवाणी जी ने, जोशी जी ने कहा आप लोग उतर आइए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ किसके थे अमीश जी से पूछो जिसने कहा वो अमीश जी इनको रोकिए ताकि इनकी बात का जवाब दिया जा सके। बहुत बोलवा लिया आपने इनको। वो बताइए वो किसने कहा था कि एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, वो किस लेडी की आवाज थी, किसने कही थी ये बात? सुधांशु त्रिवेदी ने नारा दिया था, वो जोशी जय श्री राम बोल दो, पुराना खंडहर तोड़ दो, जय श्री राम बोल दो, एक धक्का और दो। अरे भाई आप ये बोला था, पूरे हिंदुस्तान को थोड़े बेवकूफ बना सकते हैं? वो सारी की सारी चीजें बाकायदा रिकॉर्डेड है कि कौन कह रहा था कि एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो अडवाणी ने नहीं कहा एक धक्का और दो, आप जोशी जी ने नहीं कहा एक धक्का और दो, ये मैंने कहा था, उमा भारती जी ने कहा था एक धक्का, उमा भारती, अच्छा आप और तो भी बोल रहे, मैंने कहा था और ये जोशी जी ने नहीं, जोशी जी ने नहीं कहा था कि ढांचा तोड़ दो। ओके सुधांशु त्रिवेदी मैं आपको लेके आना चाहता हूँ। देखिए आप इसके पॉलिटिकल एंगल भी हैं, इसके पॉलिटिकल पहलू भी हैं। ओके वेदांति महाराज आपकी तोड़ो, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो, ठीक है अमीश जी? जी मैं कमाल फारूकी आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जो बात कमाल फारूकी ने खड़ी करी, जो सवाल कमाल फारूकी ने खड़ा करा, जवाब इसका क्या है? देखिए कमाल फारूकी साहब ने दो बातें कही, मैं दोनों बातों से एक एक पॉइंट निकालता हूं। उन्होंने ये कहा कि तथाकथित रूप से यह शब्द कि एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ये किसने ये आवाज कही थी
फारूकी साहब मैं वही जानना चाहता हूं, 25 साल में 18 साल मुसलसल वो सरकारें रही हैं जो अपने को सेकुलरिज्म का चैंपियन कहती रही, 18 साल में आवाज नहीं पहचानी जा सकी? बहुत देर कर दी हुजूर इतने जमाने में। दूसरा, आपने विषय यह कहा था कि 1992 में जिस समय वह विवादित ढांचा गिरा उस समय वहां पर रामलला विराजमान थे और मूर्ति पूज्य पूजा चल रही थी। आपका यह कहना था कि 1949 में वहां पर आखिरी बार नमाज पढ़ी गई। अगर जनाब आप 1992 से इतिहास में पीछे जाना चाहेंगे तो यह आपकी सहूलियत का विषय नहीं हो सकता कि आप पीछे जाकर 49 पे ही रुकना चाहेंगे या 1925 में रुकना चाहेंगे या फिर 1525 तक जाएंगे। तो एक बार अगर हम यह तय करते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस से हम हिस्ट्री में बैकवर्ड मोशन करेंगे तो बैकवर्ड मोशन किस स्टेट पे किस डेट पे जाके रुकेगा, यह किसी एक पक्ष का अपना विषय नहीं हो सकता। और तीसरा, यह भी सत्य है कि 30 सितंबर 2010 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह निर्णय दिया है जिसमें कि तीनों जजों ने सर्वसम्मत निर्णय दिया, यद्यपि इस बात पे को रेखांकित करना उचित नहीं फिर भी मैं कहूंगा उसमें से एक जज महोदय मुस्लिम समुदाय के भी थे, फिर भी तीनों का सर्वसम्मत निर्णय था केंद्रीय गुंबद के नीचे का जो गर्भगृह है वो राम जन्मभूमि है, उसके ऊपर तीनों में से किसी ने कोई विवाद नहीं किया। हाँ, मालिकाना हक को लेकर विवाद था। तो अब मैं पूरे अदब के साथ पूछना चाहूंगा कि अगर वह राम जन्मभूमि है जो कोर्ट मानता है, जो 2003 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकेवेशन और 1976 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकेवेशन से उसके प्रमाण भी आते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद भी उस पर नाम का कोई स्ट्रक्चर बनना चाहिए हिंदुस्तान में? इस बात पे हमें विचार करें, क्योंकि भारत के मुसलमानों का बाबर से क्या ताल्लुक है ये मेरी समझ से परे है। जैसे कि भारत के क्रिश्चियन का किंग जॉर्ज या विक्टोरिया से कोई ताल्लुक नहीं, तो भारत के मुसलमानों का बाबर से क्या ताल्लुक है कि क्या इस मुल्क के लिए बाबर जरूरी है या मर्यादा पुरुषोत्तम राम? सारी बातों को हमने बहुत गौर से सुना, सवाल यहाँ ये इस मुल्क के लिए बाबर जरूरी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जरूरी है? नहीं नहीं, आप अभी आप जो इस तरह की बात मत कीजिए, क्योंकि वो मस्जिद का मामला है, उसका बाबर से कोई ताल्लुक नहीं है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। चीजों को इस तरह से मत फैलाइए कि और लोगों के अंदर इसका इसके ताल्लुक से है तो बाबरी मस्जिद के लिए मस्जिद का बाबर इबादत करते थे दिसंबर 1949 तक की है, उसके बाद जोर जबरदस्ती हमें इबादत करने से मना किया गया। अभी सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कही है मेरे भाई, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले जाने वाले हम, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हम नहीं थे, हमारे दूसरे भाई लोग गए थे, उसके बाद हम लोग गए हैं। और अब मैटर बाकायदा टाइटल सूट का सुप्रीम कोर्ट में डिसाइडेड है। अगर दो भाइयों के दरमियान में झगड़ा है और तस्फिया नहीं हो पा रहा है, आपस में सुलह सफाई नहीं हो पा रही है, तो हमारा आपका सबका फर्ज होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। हम कहते हैं मुसलमान के हमको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट के ताल्लुक से एतबार है। तो हमारे लेकिन राम भक्त कहते हैं नहीं, मैं हाँ इंतजार करते हैं। राम भक्त कहते हैं कि आपके लिए टाइटल सूट है लेकिन हमारे लिए भगवान राम की जन्म स्थली है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी हैं। अमित जी, तो मेरे भाई एक बात ये, धार्मिक तो हमारा मामला भी है, हम भी अपने अल्लाह की वही बात करते हैं। सुधांशु 20 सेकंड, अब झगड़ा सुधांशु, साजिश हो रही है, सीबीआई साजिश कर रही है, लेकिन सरकार आपकी, अभी गृह मंत्री आपके, राजनाथ अमित जी, क्या आप मुझे अवसर देंगे बोलने का? देखिए कमाल फारूकी साहब बहुत लर्नेड आदमी है, मैं ये कहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि वो एक टाइटल सूट है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं शाहबानो का केस एक क्रिमिनल के सूट था जिसमें 120 रुपया महीना देने ना देने का विवाद था, मगर उसके इंटरप्रिटेशन में अचानक रिलीजन आ गया। और यहाँ आप कैसे कहेंगे कि भगवान राम की जन्मभूमि एक टाइटल सूट के रूप में रहेगी? मत कीजिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, आप क्या भाई कह सकते हैं? मत कीजिए, अभी बाबरी मस्जिद की बात, चलिए मैं मिक्सअप नहीं करता, मैं एक छोटी सी बात की बात करें, बाकी चीजों की बात ना करें। चलिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, आप एक बार ये मानिए, क्या ये संभव है कि वेटिकन सिटी में कोई मस्जिद बने या मक्का में कोई चर्च बने? अगर कोई ये कहता है तो वो उन धर्मों की भावनाओं को भड़काने और चिढ़ाने का काम करता है। तो अगर अयोध्या में बाबर ने कोई मस्जिद बनाई, इसका मतलब वो एक हिंदू समाज की भावनाओं को भड़काने के लिए, कुचलने के लिए या उनका अपमान करने के लिए बनाई गई थी। तो हम आज के जमाने में क्यों उस चीज से अपने को एसोसिएट करना चाहते जी? हम कहें कि मस्जिद होनी चाहिए, कहीं होनी चाहिए, ठीक है, हम उसको अपमान के रूप में नहीं बनाना चाहते। इसलिए मेरा ये कहना था कि हम इसका समाधान निकाल सकते हैं अगर हम इसे
एक मंदिर और मस्जिद का मुद्दा न मान के भगवान राम की जन्मभूमि और बाबर के नाम पर बने हुए एक ढांचे को माने, क्योंकि जनाब मेरी जानकारी के हिसाब से इस्लाम हमले रसूल है, हमले बादशाह नहीं। जी आप बादशाह को जो है अपने मजहब से कनेक्ट मत करिए। मैं फिर कह रहा हूँ इस्लाम हमले रसूल है, हमले बादशाह नहीं। बादशाह को लेकर उलझे जा रहे हैं सर, कोई हम तो बादशाह का ताल्लुक नहीं है, हमारे लिए वो मस्जिद है, उसका नाम कुछ भी हो वो मस्जिद थी और हम इबादत करते रहे। फिर मेरा पूरे अदब एहतराम से ये कहना है कि नाम में से बाबरी वर्ड हटा दीजिए, आप कहिए मस्जिद एक्शन कमेटी, जब आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कहते हैं, प्रतीक के साथ इसलिए मैं ऐसा निर्माण करना चाहता हूँ। अबे दुबे मैं आपके पास आता हूँ। जो वेदांति महाराज की रिवेलेशन से वो ये बात कहती है, वो ये बात कहती है कि कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही थी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेताओं को फंसाने का षड्यंत्र कर रही थी। इस पर आपका जवाब क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के साथ सुनियोजित षड्यंत्र किया है। रामलला के मंदिर से इनको कोई आस्था नहीं है, ये तो सिर्फ सत्ता की सीढ़ी उसके नाम से चढ़ना चाहते हैं। मुझे बताइए वेदांति जी महाराज, आपने ये कहा कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उस ढांचे को नहीं तोड़ना चाहती थी, भगोड़े भाग गए, ये वीडियो मेरे पास मौजूद है। क्या 1993 में कंसोलिडेटेड चार्जशीट 5 अक्टूबर को सीबीआई ने फाइल नहीं की? ये जो बात करते हैं वो टेक्निकल ग्राउंड ये है कि सीआरपीसी के सेक्शन 11(1) में स्पेशल कोड बनाने का प्रावधान है, इन्होंने कहा उसका पालन नहीं किया गया। अरे मोदी जी की सीबीआई भी उन्हीं फैक्ट्स पर बनी हुई है, इनका एक वर्ग कटियार जी सहित वेदांति जी आडवाणी जी राष्ट्रपति बने और मोदी जी चाहते हैं कि राष्ट्रपति नहीं बने, इसकी लड़ाई है, ये मंदिर की लड़ाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज भी मैं कह रहा हूं कि लाल किरण अडवाणी ढांचा नहीं तोड़वाना चाहते ये थे, जोशी जी ढांचा नहीं तोड़वाना चाहते थे, ये मैंने प्रामाणिकता को आपने चैलेंज टूटेगा, जब तक वो खंडन नहीं टूटेगा तब तक रामलला का मंदिर नहीं बनेगा। और तीनों जजों ने निर्णय दिया है जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। ठीक है, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जाफरी अब जिलानी भी मेरे साथ होंगे। जाफरी अब जिलानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक है। जिलानी साहब मेरे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। जिलानी साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार में, आज बेहद अहम, बेहद बड़ा और बेहद जोरदार खुलासा ब्रेक के बाद अलग एंगल होने वाला है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस समय आर पार में बेहद बड़ी और बेहद जोरदार गवाही। इस समय लाइव मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, अबे दुबे, कमाल फारूकी साहब हैं, रामविलास वेदांती हैं, महाराज बाबरी विध्वंस के आरोपी हैं ये, जाफरयाब जिलानी हैं संयोजक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। जिलानी साहब, इस दौर में आपके पास आता हूं। कुछ देर पहले कमाल फारूकी हमारे साथ जो इस समय लाइव है वो बने हुए थे, उन्होंने बोला बाबरी नाम से हमें कोई प्यार नहीं है, आप तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि वेदांति महाराज जो कुछ क्लेम कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, इस बात में कितना दम है और कोर्ट में इनकी क्या गवाही है और सीबीआई के सामने इनकी क्या गवाही है, क्योंकि ये आरोपी हैं। देखिए, जो आज ये बयान, आज जो बयान इन्होंने दिया है टीवी पर, ये 4 हफ्ते के अंदर इनको मौका मिलेगा सेशंस कोर्ट में, जहां मुकदमा चल रहा है डिमोलिशन का, वहाँ पर इनको बुलाया जाएगा और चार्ज इनके खिलाफ फ्रेम किया जाएगा। चार्ज में कॉन्स्पिरेसी की बात भी होगी, चार्ज में मस्जिद गिराने के ताल्लुक से भी बातें होंगी। तो ये जो कुछ यहाँ कह रहे हैं, अगर ये उस पर कायम रहें तो वहाँ पर जज साहब के सामने अपने उस चार्ज को एक्सेप्ट कर लें तो इनकी बात जो है सही हो जाएगी, और अगर वहाँ ये चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप मीडिया में जितना भी कहते रहें उसका मुकदमे पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। तो इनको जो अगर ये हिम्मत आज इन्होंने दिखाई है, ये 4 हफ्ते और अगर हिम्मत इनकी कायम रहे जी, तो मैं तो यही चाहूंगा कि ये सही बात को जो आज कह रहे हैं, ये सही बात 3-4 हफ्ते के अंदर जिनको जिलानी साहब वहाँ पर इसको अपना इकरार कर लें कि हाँ ये साजिश थी, इसके तहत हमारे हुक्म से लोगों ने जी बताए। जिलानी साहब, मेरा अगला सवाल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू इसको अपनी आस्था की बात करते हैं, वो कहते हैं राम में हमारी आस्था है इसलिए मंदिर जरूरी है, लेकिन इसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हमेशा
एक्शन कमेटी हमेशा टाइटल सूट की बात करती है, यानी जो कथित बाबरी मस्जिद जिसकी बात होती है, जिसको विवादित ढांचा कोर्ट ने बोला, उसमें आपकी कोई आस्था नहीं है। देखिए, आप आस्था की जहां तक बात करते हैं, हम उसी को तो कहते हैं कि 1860 से लेके 1941 तक राम जो वहाँ निर्भय अखाड़ा वगैरह जो लोग थे, उस वक्त न विश्व हिंदू परिषद था, न बीजेपी थी, न ये लोग थे, तो इसलिए वो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने चबूतरा भी बनाया, तो उन लोगों ने हमेशा चबूतरे के जगह को तो कहा कि वो जन्म स्थान है, लेकिन उसके जो पश्चिम में इमारत है जिसको एक्चुअल मस्जिद थी, उसको हमेशा मस्जिद लिखा है। तो 1941 तक जो इमारत मस्जिद रही है हिंदुओं के अनुसार, 1885 के जजमेंट वो भी हिंदू जज ने किया था, तो फिर ये आज तक कैसे कर रहे हैं? आपने ये बात हाई कोर्ट में क्यों नहीं प्रूफ कर पाए? यही बात हमने नहीं जिलानी साहब जो तर्क आप यहाँ दे रहे हैं मेरी डिबेट में, वो आप हाई कोर्ट में बात क्यों नहीं प्रूफ कर पाए? वहां पर आप क्या आई है और ये कोर्ट ने उसको माना है? हाई कोर्ट में तो आप हाई कोर्ट में सब प्रूफ है, हाई कोर्ट में जजमेंट में सब लिखा हुआ है। वेदांति महाराज, सवाल सिर्फ कोर्ट ने कहा है, हारे बिल्कुल नहीं है, कोर्ट ने कहा है 1/3, क्योंकि वहां पर 1/3 मस्जिद को दिया है, वेदांति महाराज रामलला को दिया है, 1/3 खड़ा को दिया है, ऐसा है तो हारे बिल्कुल नहीं है, सरकार से कोर्ट ने हमारी बात मान ली, मस्जिद है मस्जिद है और वहाँ वेदांति महाराज। हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जफर याब जिलानी की बात बिल्कुल गलत है, इसलिए कि जफर याब जिलानी के सामने हाई कोर्ट में मैंने नक्शा दे करके बताया था कि जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं वहाँ खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। जहाँ पर मीनार नहीं होती है वहाँ पर अजान नहीं होती है, वहाँ मीनार नहीं थी तुरंत, अभी तक ना अजान हुई ना कुरान पढ़ा गया, तो कैसे मैं कहूँ कि वहाँ कभी मुसलमानों ने जाकर के कुरान पढ़ा था? मैं चाहता हूँ जवाब साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और मूर्तियों के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता, ये कुरान में लिखा हुआ है। जिलानी साहब, जवाब क्या वेदांति महाराज का? यदि जफर याब जिलानी बात करते हैं तो ये गलत है, और मैं आज भी सिद्ध करने को तैयार हूँ कि वहाँ पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत वहाँ मस्जिद अब नहीं बना सकती। जजेस ने लिखा है, मेजॉरिटी जजमेंट अग्रवाल साहब का और एसयू खान साहब का, कि यहाँ पर एक ने लिखा है कि 450 साल से इबादत हो रही थी मुसलमानों की, और एक ने लिखा है 250 साल से, तो दोनों जजेस ने माना है कि हाँ वहाँ मस्जिद थी, वहाँ पर इबादत होती रही। जफर याब जिलानी साहब, ये जो निर्णय जजों का निर्णय मेरे सामने रखा हुआ है, ये तो जजमेंट में लिखा हुआ है, न्यायमूर्ति मौजूद है, न्यायमूर्ति सबसे बड़ी गवाही लाइव देख रहे हैं स्टेटियर इंडिया आर पार में। यह घोषणा की जाती है कि आज स्थाई मंदिर में जिस स्थान पर रामलला का विग्रह विराजमान है वह स्थान हिंदुओं को दिया जाएगा, न्यायमूर्ति एसवी खान ने लिखा है, और न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा का कहना है हिंदुओं की श्रद्धा व विश्वास के अनुसार विवादित भवन के मध्य गुंबद के नीचे का भाग भगवान राम की जन्मभूमि है, ये जजमेंट है। और न्यायमूर्ति सुनिए, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा एवं न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा एवं न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने निर्मोही अखाड़ा द्वारा वर्ष 1959 में तथा सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा दिसंबर 1961 में दायर किए गए मुकदमों को निरस्त कर दिया और निर्णय दिया है कि निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को कोई राहत नहीं दी जा सकती है, विवादित ढांचा किसी पुराने भवन को जी मैं इस दौर में रुक करता हूँ, मैं इस दौर में रुक करता हूँ, ठीक है? वेदांति महाराज, आपकी बात पूरी सुनी गई, पूरी इत्मीनान से सुनी गई वेदांति महाराज आपकी बात। कमाल फारूकी कुछ कहना चाह रहे हैं, कमाल फारूकी 30 सेकंड का टाइम है आपके पास अपनी बात। देखिए बात ये जी महन जी, हम आपके आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन आप ये जो सब बातें कह रहे हैं ना, ये आपको सुप्रीम कोर्ट में कहने का और अभी नीचे जो अब 2 साल तक वो चलेगा उसमें पूरा कहने का हक है। और अच्छा, एक बात बताइए फारूकी साहब, आपके लिए टाइटल सूट है या आस्था है? सरकार आपके लिए सिर्फ टाइटल सूट है या आस्था है? सर हम नहीं, हमारी वहां मस्जिद थी, जैसे जिलानी साहब ने कहा 500 साल तक हम लोगों ने वहां सजदे किए हैं, हमको फोर्सफुली दिसंबर 49 के अंदर बंद कर दिया गया है, उसके ऊपर मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, उसके बाद मस्जिद को शहीद किया गया है और ये मैटर पूरा पेंडिंग है। ओके, सुधांशु चतुर्वेदी रिप्लाई, सुधांशु चतुर्वेदी रिप्लाई, सुधांशु चतुर्वेदी अ क्विक रिप्लाई, देन अवे दुबे यू। ओके सुधांशु चतुर्वेदी, 30 सेकंड रिप्लाई सुधांशु चतुर्वेदी। इबादत कैसे की गई?
मैं पूछना चाहता हूं, एक दो मैं टेक्निकल बात कहना चाहूंगा। मीनार की मूर्तियां थी, मीनार का ही बात, भगवान राम की मूर्ति थी, क्या विष्णु भगवान की मूर्ति थी, बारह भगवान की मूर्ति थी, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति कब रखी गई थी, में लिखा बुत है और बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता, कब रखी गई थी, इसलिए वहाँ किसी मुसलमान ने आज आजान नहीं किया है, वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, और जजों ने भी स्वीकार किया। 49 में क्या था, सुधांशु में नहीं, 49 तक क्या था, वेदांती महाराज, वेदांती महाराज, वेदांती महाराज आपकी बात पूरी व्यापक सुनी गई है, वेदांती महाराज क्या नमाज हो रही थी वा नहीं, ओके ओके सुधांशु त्रिवेदी योर रिप्लाई नाउ, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेक योर पॉइंट, तो फिर क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट में 94 में, साफ शब्दों में राष्ट्रपति ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अमीश, रामलला का भव्य मंदिर बने, सुधांशु और माफी चाहता हूं, मैं 30 सेकंड आपको दे पाऊंगा अभी लास्ट में, मैं एक ही वाक्य कहना चाहता हूं, सुनिए अमीश जी, ये फारूकी साहब और जिलानी साहब की बात को हमने मान भी लें एक बार कि 450 साल से इबादत कर रहे हैं, तो वो इबादत की जगह पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकेवेशन में 10, 5, 15, 20 नहीं 80 खंभे नक्काशी वाले कैसे निकल के आए, और अगर ये सच है तो उस 80 नक्काशी वाले खंभे पर जिसपे तमाम हिंदू प्रतीक चिन्ह है जी। चलिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस बहस पे जुड़ने के लिए, अबे दुबे में माफी चाहता हूँ, आखिरी दौर में मैं आना चाहता था आपके और सुधांशु के पास लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि बहस में जिलानी साहब जुड़ गए थे, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, इस बहस का निष्कर्ष निकालना बेहद कठिन है, बेहद कठिन है क्योंकि बहस ही ऐसी है, लेकिन आज हमने आपको सबसे बड़ी गवाही बाबरी विध्वंस पर लाइव दिखाई, फिलहाल आर पार में इतना ही, नमस्कार।